हेलो फ्रेंड्स मैं सुषमा कुहार वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर अंगूठे वाली जुराब बना कर लाई हूं आज मैं आपको ये जुराब बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है इस जुराब को आप जेंट्स और लेडीज दोनों के लिए बना सकती हैं ये जुराब बनाने में बहुत ही आसान है और पहनने में बहुत ही कम्फर्टेबल है तो इस जुराब को बनाने के लिए ये देखिए मैंने यहाँ पर ये तीन प्लाई वाली ऊन ली है ऊन आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकती हैं जो आपको पसंद हो और इसमें मैंने दस नंबर की सिलाई यूज की है अब ये देखिए, इस जुराब को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं अड़तालीस फंदे फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइया बनाते हुए मैंने ये दस सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है दस सिलाइयों में देखिए एक दो तीन चार और ये पांच तो पांच लाइनों का इस तरह से हमने बॉर्डर बनाया उसके बाद सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए बॉर्डर के बाद इसे मैंने दो इंच तक बुना है ये देखिए बॉर्डर से ऊपर ये दो इंच है और टोटल जो लेंथ है वो हमारी तीन इंच है तो ये वाली जो लेंथ है ये आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से बना सकती हैं मैंने ये एंकल लेंथ बनाई है इसलिए टोटल मैंने बॉर्डर समेत तीन इंच बनाकर तैयार कर ली है अब इस जुराब में हम एडी बनाएंगे ये देखिए जिस जुराब में एडी बनी होती है वो जुराब पैर से बिल्कुल भी नहीं निकलती है दोनों जुराब में एडी बनाने का तरीका बिल्कुल सेम होगा अंतर सिर्फ इतना आएगा ये जो हमारे 48 फंदे हैं एक जुराब में जब हम बनाएंगे तो यहां पर 24 फंदे में ए डी बनेगी जब दूसरी जुराब बुनेंगे तो यहाँ वाले 24 फंदे पर एडी बनेगी ये वाली जो जुराब मैंने बनाई है ये फर्स्ट वाले 24 फंदे पर एडी बनाई है अब हम इधर वाले 24 में बनाएंगे तरीका बिल्कुल सेम होगा तो देखिए अब हमें यहाँ लास्ट में 24 फंदे पर एडी बनानी है तो हम क्या करेंगे चौबीस फंदे पहले हम सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट कर देंगे तो ये देखिए यहां पर मैंने इन चौबीस फंदों को सीधा सीधा बना दिया है अब इन फंदों पर एडी बनेगी ध्यान से देख लीजिए इन फंदों में जब आप बनाएंगे पहली जुराब में तो बिल्कुल सेम सेम बनेगी तो ये देखिए इस फंदे को ऐसे हम पलट देंगे और बैक साइड से दो का एक कर देंगे जैसे हम यहाँ पर बना रहे हैं इन फंदों में यहाँ पर बनेगी तो यहाँ से हमने बैक साइड से दो का एक कर दिया अब बीच में बीस फंदे बुनेंगे लास्ट में हमारे दो बचेंगे उनका भी हमें दो ही का एक करना है तो देखिए यहाँ दो का एक किया और ये बीच वाले बीस फंदे होंगे इनको आप ऐसे सीधा बनाइए तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये बीच में बीस फंदे सीधे बना लिए और ये जो लास्ट के दो फंदे हैं इन दो फंदों में अब आगे से सिलाई डाल लेंगे और यहाँ दो का एक कर देंगे तो चौबीस में से एक फंदा इधर कम हो गया और एक इधर कम हो गया अब हम उल्टी साइड पर आ जाएंगे जब आप यहाँ पर बनाएंगी तो यहाँ दो का एक करेंगी बीस फंदे आप सीधे बनाइए फिर वही आपने आगे से सिलाई डाल के दो का एक करना है और यहीं से आपने टर्न कर जाना है इधर के जो फंदे हैं उनको हम छोड़ देंगे अब इस चुराब में बना रहे हैं तो देखिए इस एक फंदे को हम इस तरह से उतार लेंगे जो हमने दो का एक किया है और अब यहाँ पर हम ये आगे के 21 फंदे हैं क्योंकि एक को हमने उतार लिया है बाकी के 21 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे तो ये देखिए एक को हमने स्लिप किया और बाकी के 21 फंदे हमने बना लिए हैं जो इधर के चौबीस थे उसमें से एक इधर से कम हो गया एक इधर से तो टोटल बाईस फंदे हैं अब हम यहीं से टर्न कर लेंगे ये इधर वाले चौबीस फंदे हम ऐसे ही छोड़ देंगे अब इस फंदे को लेंगे और इसको हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से दो फंदे का इस तरह से एक फंदा बनाएंगे और अब यहाँ लास्ट वाले ये दो फंदे रहने तक बीच के फंदों को हम सीधा बुन लेंगे तो ये देखिए अब यहाँ लास्ट में ये जो दो फंदे हैं इनमें आगे से सिलाई डाल लेंगे और दो का एक फंदा बना देंगे तो अब हमारे पास ये बीस फंदे बच गए हैं दोनों तरफ से दो दो फंदे कम हो गए हैं अब आ जाइए इसकी उल्टी साइड पर इस एक फंदे को हम इस तरह से उतार लेंगे आप चाहो तो बना भी सकती है लेकिन हम यहाँ पर इसे उतारेंगे और ये देखिए आगे के आपको ये आपको निशान मिल जाएगा बिल्कुल अलग से इन सभी फंदों को हम उल्टा बुनेंगे हमने इन फंदों को उल्टा बना लिया अब यहीं से हम ट्रन करेंगे इधर के चौबीस फंदे हमारे ऐसे ही रहेंगे और दोनों साइड से हम इसी तरह से फंदे घटाएंगे हमें छह फंदे इधर से कम करने हैं और छ इधर से चौबीस में से बारह फंदे हमने बीच में रखने हैं तो अब फिर से देखिए इस फंदे को ऐसे हम पलट देंगे और बैक साइड से दो फंदे का हम यहाँ पर एक फंदा बना देंगे तो यहाँ से हमारा तीसरा फंदा कम हो गया लास्ट के दो फंदे रहने तक इनको हम ऐसे ही सीधा सीधा बुन देंगे और लास्ट में इन दो फंदों में टाइट हो तो हल्का सा लूज कर सकती हैं फिर आगे से सिलाई डाल के इन दो का हम एक फंदा बना देंगे तो दोनों तरफ से तीन तीन फंदे कम हो गए उल्टी साइड पर हम इन फंदों को अब उल्टा बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कर देंगे फिर सीधी साइड पर फिर से हमें फंदा एक यहां से एक यहां से घटाना है तो हमें यहाँ पर बारह फंदे बच जाएंगे यानी छ इधर से और छह इधर से बिल्कुल सेम ऐसे ही घटाते हुए इसको हम पूरा करेंगे तो मैं बाकी के फंदे भी इसी तरीके से घटा देती हूँ तो आप भी ऐसे ही इसको बना लीजिए तो ये देखिए हर सीधी सिलाई पर हमने एक फंदा यहाँ से और एक फंदा यहाँ से घटाया तो छ इधर से कम हो गए छ इधर से टोटल हमारे पास अब ये बारह फंदे बचे हुए हैं और उल्टी साइड की सिलाई को हमने बुन लिया है अब हमें इसमें फंदे घटाने नहीं हैं बढ़ाने हैं तो हम क्या करेंगे देखिए ऐसे करेंगे यहाँ वाला जो फंदा बढ़ेगा इसमें हम देखिए ऐसे सिलाई डाल लेंगे इधर से और एक फंदा हम यहाँ से ऐसे बुन देंगे तो इधर का एक बढ़ गया यहीं से अब हम ऐसे टर्न करेंगे और अब ये हमारे देखिए तेरह फंदे हो गए क्योंकि एक हमने इधर से बढ़ा दिया है दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और ये देखिए तेरह अब यहाँ का जो हम फंदा बढ़ाएंगे इस तरीके से सिलाई डालेंगे और यहाँ से हम एक फंदा बढ़ा देंगे तो हमारे पास चौदह फंदे हो गए एक इधर से बढ़ा दिया एक इधर से अब हम फिर से यहाँ से इस सिलाई को बुनना शुरू करेंगे तो ये चौदह फंदे हैं इनको मैं उल्टा बुन लेती हूँ तो ये देखिए उल्टी साइड से इन फंदों को मैंने बना लिया है अब फिर से देखिए हम ऐसे सिलाई डालेंगे हमें छह ही फंदे उठाने तो बराबर बराबर के गैप से आप उठाइए और ऐसे सिलाई डाल के एक फंदा हम यहाँ से उठा देंगे तो हमारे हो गए पंद्रह फंदे अब हम इस पूरी सिलाई को सीधा बुन लेंगे इन पंद्रह फंदों को और लास्ट में एक फंदा हम फिर से इसमें उठाएंगे तो ये देख लीजिए कैसे फंदा उठाना है ऐसे लेंगे और यहाँ पर हम ऐसे सिलाई डालेंगे और ऐसे करके एक फंदा हम इधर से उठा लेंगे तो हमारे पास अब ये सोलह फंदे हो गए उल्टी साइड से फिर से इन सभी फंदों को आप इस तरीके से उल्टा बना लीजिए तो देखिए यहाँ तक मैंने सिलाई को बुन लिया है अब हम फिर से देखिए ऐसे सिलाई डालेंगे यहाँ से और एक फंदा और हम यहाँ से उठा देंगे तो हमने इस साइड से तीन फंदे उठाए हैं इतने में हमने तीन और उठाने हैं अब यहीं से हम टर्न करेंगे और लास्ट तक इन फंदों को अब हम सीधा सीधा बुन देंगे तो ये देखिए मैंने फंदों को बना लिया है अब हम यहाँ से फिर से ऐसे सिलाई डालेंगे एक फंदा हम यहां से उठा देंगे तो दोनों तरफ से हमारे तीन तीन फंदे हो गए हैं बिल्कुल सेम तरीके से हम फंदे उठाएंगे अभी तीन इधर से और तीन इधर से उठाने हैं तो आप इसी तरह से फंदे उठाते हुए इनको पूरा चौबीस फंदे कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि तीन अभी इधर से आएंगे तीन इधर से आएंगे तीन तीन हमने उठा लिए हैं तो मैं अब इस पार्ट को कंप्लीट कर लेती हूँ आप भी बिल्कुल सेम जैसे मैंने बताया है इसी तरीके से बाकी के फंदों को भी उठाकर इस ए डी के पार्ट को कंप्लीट कीजिए तो ये देखिए फ्रेंड्स वापस से हमारे ये चौबीस फंदे हो गए हैं और इस तरह से हमारा ये ए डी का पार्ट कम्प्लीट हो गया है अब हम क्या करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरी सिलाई को अब उल्टा बुन देंगे आप देख सकते हैं बीच में कोई भी गैप नहीं है सारे फंदे हमारे मिल चुके हैं तो पूरी सिलाई को अब आप उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर दीजिए तो ये देखिए मैंने इस पूरी सिलाई को उल्टा बना लिया है अब हमें इस जुराब की ये देखिएगा ये वाली लेंथ बुनकर कंप्लीट करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसे पाँच इंच तक बनाएंगे बाकी आप अपने पैर के अनुसार बना सकती हैं पैर किसी का ज़्यादा लंबा होता है किसी का छोटा होता है तो मैं आपको इसका नाप लेना बताती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से आपको अपने पैर का नाप रखना है ये देखिए यहाँ पर हमारी ये एडी बनती है तो ये वाली जो जुराब है इसको आप अपने पैर की एडी में ऐसे लगा कर देखिएगा ये सिर्फ आपकी देखिए यहाँ पर आएगी बाकी का जो आपका पैर बच गया है यहाँ तक का इसका अब हमें नाप रखना है ये मैं अपने पैर के लिए जुराब बना रही हूँ तो इस जुराब को ये देखिए यहाँ से हम इतना बुनेंगे पाँच इंच तक यानी ये जो हमारे अंगूठे की यहाँ पर एक हड्डी सी होती है सबके पैर में होती है यहाँ तक का नाप रख लीजिएगा ये मेरी पाँच इंच बनती है ए डी से आगे तो आप इस तरीके से रख के और आप इसका नाप ले लीजिए जितना लंबा पैर हो जेंट्स के लिए बना रही हो लेडीज़ के लिए ले बना रही हो जितनी लंबी बने यहाँ तक के नाप की बुन लीजिए फिर उसके बाद हमें ये देखिएगा यहाँ तक हमें इसकी सुई से सिलाई करनी है आगे के पार्ट में हमें सुई से सिलाई नहीं करनी है सिर्फ सिलाइयों से बुनना है तो इस पार्ट को हमें कैसे बुनना है ये मैं आपको बताऊंगी तो अब आप इसे सिर्फ सीधी साइड से सीधी सिलाई और उल्टी साइड से उल्टी सिलाई बुनते हुए जैसे मैंने नाप लेना बताया है उस हिसाब से आपकी लेंथ बना लीजिए तो मैं इसे यहाँ से लेकर आगे तक पाँच इंच बुन के फिर आपको दिखाती हूँ ये देखिए फ्रेंड्स इसे मैंने पाँच इंच तक बना लिया है आप इस तरह से नाप सकती हैं यहाँ पर आप इंची टेप को रखिए और ऐसे करके नाप कर देख लीजिए ये पूरा पाँच इंच बन के तैयार हो गया है अब ये देखिए इसमें हमने ये वाला पार्ट बुनना है तो ये वाला पार्ट बुनने के लिए सबसे पहले ये जो हमारे अड़तालीस फंदे हैं इसमें से चौबीस फंदे हम बिना बुने इस सिलाई में ऐसे उतार लेंगे तो आप इस तरह से चौबीस फंदे दूसरी सिलाई में ले लीजिए तो ये देखिए चौबीस फंदे मैंने बिना बुने इस सिलाई में ये ले लिए चौबीस इसमें बच गए हैं अब ये सीधा ऐसा जो है ऐसे सीधे से सीधा हम मिला लेंगे अब एक सिलाई हम और ले लेंगे देखिए बिना बुने जब हम फंदे उतारते हैं तो इस तरीके से ये धागा यहाँ पर आ जाएगा अब ये जो हमारे चौबीस इसमें है चौबीस इसमें है एक फंदा तो हम ये अपनी तरफ की जो सिलाई है इसमें से ऐसे ले लेंगे जैसे हम कंधे वगैरह जोड़ते हैं ना बिल्कुल सेम ऐसे ही एक हम इसमें से लेंगे एक हम पीछे वाली सिलाई में से ले लेंगे फिर एक फंदा हम अपनी तरफ की सिलाई का लेंगे एक बैक साइड वाली सिलाई से लेंगे एक हम इस सिलाई से ले लेंगे एक पीछे वाली सिलाई से सारे फंदों को अब आपने इस सिलाई में ऐसे ही इकट्ठा कर देना है फिर से देख लीजिए एक अपनी तरफ से लीजिए और एक बैक साइड से तो अब मैं इनको यहाँ एक सिलाई में इकट्ठा कर लेती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने इन सभी फंदों को एक सिलाई में कर दिया है अब हम क्या करेंगे अपनी तरफ का जो फंदा है उसको तो हम बुनेंगे जो पीछे की साइड का है उसको हम उतार लेंगे देखिए ये अपनी तरफ का फंदा है इसको हम ऐसे बुन लेंगे ये हमारा बैक साइड की सिलाई का फंदा है इसको हम ऐसे ही उतार देंगे फिर जो अपनी तरफ का फंदा है उसको उल्टा बुन लेंगे अब सिलाइयाँ सारी उल्टी उल्टी बुनी जाएंगी सिर्फ यही ध्यान रखना है जो बैक साइड का फंदा है उसको स्लिप करना है जो अपनी तरफ का है उसे बुन देना देखिए, इसे उतारेंगे ये अपनी तरफ का है इसको हम बुनेंगे अगर गलती से हमने पीछे वाली सिलाई का फंदा बुन दिया तो आपकी जो ये जुराब है ये बीच में से सिल जाएगी इसलिए पूरे ध्यान से बनाइए जो पीछे का फंदा है उसे उतार दीजिए जो अपनी तरफ का फंदा है उसे बना दीजिए ऐसे करते हुए इस सिलाई को आपने कंप्लीट करना है तो ये देखिए इस पूरी सिलाई को मैंने बना लिया है अब आज ये दूसरी तरफ अब यहाँ से भी हम ऐसे ही करेंगे जो अपनी तरफ का फंदा है उसको हम बनाएंगे ये वाला फंदा हमारी साइड का है तो इसको हम ऐसे बुन लेंगे जो पीछे की तरफ का फंदा है उसको हम ऐसे उतार देंगे अपनी तरफ जो फंदा है उसको हम बुनेंगे पीछे वाली जो ऐसी साइड में फंदा दिखेगा उसको उतार देंगे बस हमें ऐसे ही रिपीट करना है दोनों तरफ से जो फंदा हमें अपनी तरफ दिखेगा उसको हम बुन लेंगे देखिए ऐसे आपको छेद दिखेगा और पता चल जाएगा कि ये पीछे वाली साइड का फंदा है इसको आप ऐसे उतारिए और अपनी तरफ के फंदे को बना लीजिए इस साइड पे आएंगे तब फिर से वही करना है अपनी तरफ का फंदा बनाइए और पीछे वाली साइड का उतार दीजिए ऐसे करते हुए अब हम इसको एक इंच तक बुनेंगे तो टोटल इसकी जो लेंथ बनेगी देखिए यहाँ से लेकर और जो हम आगे बुनेंगे पाँच इंच पहले थी एक इंच और बुन देंगे तो छः इंच हो जाएगी छः इंच होने के बाद फिर इसमें हम अंगूठा अलग बनाएंगे और पंजे वाला जो पार्ट है वो अलग बुनेंगे तो आप इसी तरह से इन्हीं सलाईयों को रिपीट कीजिए कि अपनी तरफ का फंदा बनाइए और बैक साइड का जो फंदा है उसे उतारते हुए एक इंच तक बना लीजिए तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसकी लेंथ छः इंच हो गई है इस तरीके से आप नाप कर देख लीजिए जो नीचे का तला है उसे नापना है ऐसे करके और ये देखिए जहाँ पर ए डी का हमारा फंदे पूरे होने पर जॉइंट आया था इस जॉइंट तक का नाप हमारा पूरा छः इंच बन गया है अब इसमें हम अंगूठा अलग बनाएंगे और पंजा अलग बनाएंगे जब इसकी ए डी हम दोनों अलग अलग जगह पर बनाते हैं तो अंगूठा हमारा दोनों ही जुराब का एक ही साइड में बनेगा ये जो इसकी ओपन वाली साइड है इस पर और एक जुराब आप बनाएंगी तब तो हम अपने अंगूठे का नाप रख लेंगे लेकिन जब हमारी दूसरी जुराब कंप्लीट हो जाएगी तब हमें अंगूठे का नाप पहले वाली जुराब के जितना ही बनाना होता है तो पहले वाली जुराब को हम उल्टा करेंगे क्योंकि सीधा करके नापेंगे तो छोटा या बड़ा साइज हो जाएगा ये देखिए जो हमने अंगूठे की लेंथ रखी हुई है वो यहाँ पर ढाई इंच बनाई हुई है तो आप अपने पैर के अंगूठे को नाप कर देख सकती हैं कि कितना है उसी हिसाब से आप बुन सकती हैं अब हम क्या करेंगे ये जो हमारे 48 फंदे हैं इसमें से 18 फंदे का अंगूठा बनाएंगे 30 फंदे से पंजा बनाएंगे तो अब ये देखिए दोनों जुराब में जो हमने अंगूठा बनाया है ये वाली ओपन वाली साइड है यहीं पर बना हुआ है तो हम यहाँ पर 18 फंदे बुन लेंगे जो अपनी तरफ का फंदा है उसे हम बुनेंगे बैक साइड वाले फंदे को स्लिप करेंगे देखिए दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और ये स्लिप किया अठारह तो अट्ठारह फंदे हमारे ये अंगूठे के अलग हो गए यहीं से अब हम ट्रन करेंगे इन फंदों को हम बाद में बुनेंगे पहले इस अंगूठे को बुनेंगे बुनने का तरीका बिल्कुल सेम ही है हम एक फंदा जो अपनी तरफ का है उसको तो हम बुनेंगे बैक साइड वाले को स्लिप करेंगे अपनी तरफ वाले को बुनेंगे ऐसे करते हुए मैं इसे दो इंच तक बना लेती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स इसे मैंने दो इंच तक बुन लिया है आपको नाप कैसे रखना है ये देखिएगा यहाँ पर आप इंची टेप रखिएगा और ये वाली जो अंदर वाली साइड है ऐसे नाप कर देख लीजिएगा तो ये पूरा मैंने दो इंच बनाया है बाकी आप अपने अंगूठे से भी नाप कर देख सकती हैं अब हमें इसकी राउंड वाली शेप बनानी है जिससे आधा इंच हमारी ये गोलाई में बन जाएगी अब यहाँ पर देखिए एक एक ये बैक साइड का दो और एक ये अपनी तरफ का तीन इन तीन फंदों का यहाँ एक फंदा बनाएंगे फिर ये बैक साइड का फंदा स्लिप करेंगे अपनी तरफ का बुन देंगे प्रोसीजर हमारा यही रहेगा लास्ट के तीन फंदे रहने तक बीच के फंदों को हम ऐसे ही बुनेंगे बैक साइड के फंदे को स्लिप करेंगे अपने साइड के फंदे को हम बुन लेंगे फिर देख लीजिए इसे बुना अब ये एक दो और ये तीन लास्ट के तीन फंदे हैं इन तीनों को हम एक साथ लेंगे और तीन का एक फंदा बना देंगे फिर से हम यहीं से टर्न करेंगे तीन फंदों को एक साथ लेंगे तीन का एक फंदा हम यहाँ पर बना देंगे बैक साइड का फंदा स्लिप किया अपनी साइड के फंदे को बुन लेंगे ऐसे ही करते हुए लास्ट वाले तीन का फिर हमसे हमने एक फंदा बुन देना है ये देखिए यहाँ लास्ट में अब ये तीन फंदे हैं इन तीनों को एक साथ लेंगे और तीन का एक बना देंगे फिर से हम टर्न करेंगे और तीन फंदे एक साथ लेंगे तीन का एक बनाएंगे इसे हम ऐसे स्लिप करेंगे अपनी तरफ वाले फंदे को बुनेंगे लास्ट वाले तीन फंदों का हम यहाँ फिर से एक फंदा ऐसे बना देंगे फिर से टर्न करेंगे तीन का एक बनाएंगे बीच वाले फंदे को हम देखिए ये वाले सिर्फ लास्ट के ही तीन हैं तो इन तीनों का हम एक कर देंगे अब बच गए सिर्फ दो फंदे तो इन दो का एक करेंगे और इसके बीच में से उनको निकाल के पक्का करेंगे ये देखिए इस तरह से बहुत ही सुंदर सी इसकी राउंड शेप बन गई है अगर इसको हम ऐसे ही काट देंगे तो ये नोट खुलने का डर रहता है तो अब हम दो से तीन बार इसको पक्का करेंगे ऐसे सुई ये अपनी सलाई को हम डाल लेंगे आप सुई में भी इस धागे को पिरो के पक्का कर सकती हैं नहीं तो इस तरह से फंदा बनाइए इसके बीच में से आप ऊन को निकालिए और इसे पक्का कर दीजिए कम से कम दो से तीन बार इसी तरह से फंदा बना के बीच में से निकाल के यहाँ तक इसे काट दीजिए तो ये देखिए इसे मैंने पक्का करके काट दिया है अब हम ये पंजा बनाएंगे तो पंजा बनाने के लिए हमें यहाँ पर ऊन को अटैच करना है और ये जो छेद है इसे भी हमें बांधते टाइम ही भर देना है तो इस तरीके से लेंगे दो धागे हम यहाँ से एक और ये दो इन दो धागे के नीचे से इधर से और दो धागे के नीचे से इधर से ऐसे सिलाई डाल लेंगे इस वाली ऊन को लेंगे और यहाँ पर पहले जैसे एक फंदा बुनते हैं ऐसे बुनेंगे तो इससे हमारी ये ऊन यहाँ पर अटैच हो जाएगी ऐसे पकड़ लीजिए इसके ऊपर धागा चढ़ाइए और ऐसे निकाल दीजिए अब यहाँ पर आप अच्छे से दो तीन नोट लगाइए तो ये देखिए धागा भी अटैच हो गया है और जो छेद था वो भी हमारा भर गया है अब फिर से हमें इसी प्रोसीजर को रिपीट करना है जो अपनी तरफ का फंदा है उसे बुनना है और जो बैक साइड का उसे स्लिप करना है ऐसे करके देख लीजिए आपको पता चल जाएगा ये हमारी तरफ का फंदा है इसको हम बुनेंगे बैक साइड के फंदे को उतारेंगे फिर इसको बुनेंगे ऐसे करते हुए इसे हम एक इंच तक बुनेंगे और फिर इसमें हमें देखिए इस तरह से ये फंदे घटाकर इसकी शेप बनानी है तो ये देखिए इसे मैंने एक इंच तक बना लिया है नाप हमने इस साइड से नहीं इस साइड से करके देखना है ऐसे नाप लीजिएगा तो एक इंच बुनने के बाद अब इस साइड से इसमें हम फंदे घटाएंगे चिट्टी उंगली की तरफ से जो हमारी छोटी उंगली होती है उस वाले साइड से तो यहाँ पर देखिए एक दो और ये तीन तो तीन फंदे हम यहाँ एक साथ लेंगे और तीन का यहाँ एक फंदा हम बना देंगे बैक साइड के फंदे को स्लिप करेंगे अपनी तरफ के फंदे को बना देंगे ऐसे करते हुए इस पूरी सिलाई को हम यहाँ तक बुनेंगे फिर दूसरी साइड से इसे यहाँ तक बुनकर कंप्लीट करेंगे तो ये देखिए मैंने इन दोनों सिलाइयों को बुन लिया है अब हम फिर से इस साइड पर आ गए हैं यहाँ से हमें फिर से तीन फंदे का एक करना है एक ये दो और ये वाला तीन इन तीनों को एक साथ लेंगे तीन का यहाँ पर एक फंदा बना देंगे फिर से वही करना है बैक साइड का फंदा उतारेंगे और अपनी तरफ का फंदा बनाएंगे इस साइड से हम फंदे तब तक घटांग घटाएंगे जब तक देखिए ये वाली जो इसकी चोटी है बिल्कुल इसके लेवल में हमारा ये वाला पार्ट नहीं बुन जाता है तो ऐसे ही इस साइड से तीन का एक तीन का एक करते जाइए बहुत ही कम फंदे आपके बच जाएंगे और इसकी चोटी के लेवल तक इसकी लेंथ बुन लीजिए तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से घटाते हुए मैंने इसकी लेंथ इस तरह से पूरी कर ली आप इसको ऐसे नाप कर देख लीजिएगा बिल्कुल ऐसे आपकी ये लेंथ आएगी इसके लेवल में अब ये जो फंदे बच गए इनको हम यहाँ से बाइंड ऑफ कर देंगे तो तीन फंदे का इस तरह से एक कीजिए और फिर इसे वापस लाई पर ले आइए फिर से तीन का एक कीजिए और इसे सिलाई पर ले आइए फिर तीन का एक करना क्योंकि एक फंदा तो हमारा यही आ जाता है सिलाई पर और दो हम इसके नेक्स्ट वाले फंदे ले लेते हैं तो तीन का एक होता है इसे हम ऐसे करेंगे इसे लाएंगे दो फंदे नेक्स्ट वाले लेंगे तो तीन का एक हो जाएगा फिर लाएंगे तीन का एक कर देंगे अब लास्ट में देखिए ये एक ही फंदा बचा है और एक ये वाला तो इन दोनों का एक करेंगे और इसके बीच में से ऊन को निकाल के टाइट सी नोट लगाएंगे तो ये देखिए मैंने ये टाइट नोट लगा दी है लेकिन अगर अब यहीं से काट देंगे तो ये खुल जाएगी अब हम क्या करेंगे देखिए ऐसे डालेंगे सिलाई ऐसे फंदा बनाएंगे और इसके बीच में से उनको निकालेंगे और खींच देंगे दो से तीन बार करेंगे और धागे को हटा देंगे तो ये देखिए पक्का करके धागे को मैंने हटा दिया है अब हम इसकी सिलाई करेंगे तो यहाँ से और ऐसे और यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम सील देते हैं तो अब मैं इसकी सिलाई कर देती हूँ फिर मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर सा जुराब का पेयर बनके तैयार हो गया है इसे बनाने में 78 ग्राम ऊन लगी है यानी अगर आपके पास 80 ग्राम ऊन है तो ये सुंदर सा जुराब का पेड़ आपका बनके तैयार होगा जाएगा तो चलिए इसे मैं एक बार पैर में पहनकर भी दिखा देती हूँ कि इसकी फिटिंग कैसी आई है तो ये देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर इस जुराब की फिटिंग आई है मैंने इसे एंकल लेंथ में बनाया है आप चाहो तो इसे थोड़ा सा यहां तक भी बुन सकती हैं अब ये जुराब जैसे मेरे पैर में बिल्कुल फिट आई है जिसका पैर मेरे से एक नंबर बड़ा होगा उसे भी ये आसानी से आ जाएगी क्योंकि ऊन है स्ट्रेचिबल होती है ऐटोमेटिक खुल जाती है मुझे छः नंबर की चप्पल या शू जाती है जिसको सात नंबर की चप्पल या शू जाती होंगे उनको भी ये आसानी से आ जाएगी तो अगर आपको ये जुराब का पेयर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में से शेयर कीजिए चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें थैंक यू